सिंह राशि वालों, आप तो औरों से अलग हटकर हैं ही, और साल बीत गया है, साल का आखिरी महीना है। अंत में देखूंगी आपके लिए ग्रह गोचर क्या लेकर आए हैं और जाते जाते साल के अंत में क्या देकर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं सिंह राशि दिसंबर महीने की तरफ और बताती हूँ आपका राशिफल। सिंह राशि वाले काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। इनमें लीडरशिप की क्वालिटी भरपूर होती है। इस राशि का स्वामी ग्रह सूर्यदेव है। आप किसी भी कार्य में सफलता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि आप जिद्दी होते हैं। आपका यही गुण इस माह भी आपको सफलता दिलाएगा। किसी भी काम को सच्चे मन और परिश्रम के साथ करने पर आप सफल जरूर हो जाएंगे। आपको आगे बढ़ता देखकर दुश्मन कुछ परेशान हो सकते हैं और जल सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को अच्छी पोजीशन मिल सकती है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। आपका अच्छा समय आ रहा है। आप इस महीने में धन संचय करने की तरफ काम करेंगे। खर्चों में कमी आएगी। निवेश की दृष्टि से भी आने वाला समय उपयुक्त रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में धन खर्च हो सकता है। कीमती वस्तु चोरी होने का भय है, ध्यान रखिए। आपका अच्छा समय आ रहा है। आप इस महीने में धन संचय करने की तरफ काम करेंगे। खर्चों में कमी आएगी। निवेश की दृष्टि से भी आने वाला समय उपयुक्त रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों में धन खर्च हो सकता है। कीमती वस्तु चोरी होने का भय है, ध्यान रखिए कि आप अपनी कौन सी प्रिय वस्तु को संभाल कर रखना चाहते हैं। लव लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। प्रेमिका के परिवार वालों का साथ मिलेगा। वित्त स्थिति में जबरदस्त सुधार आने वाला है। कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। यात्राएं अच्छी रहेंगी। वाहन सुख की प्राप्ति के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन पैसों के मामले में किसी से धोखा भी मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा सोच समझ कर ही लगाएं। किसी खास मित्र की आर्थिक सहायता आपको करनी पड़ सकती है। सहायता एक अच्छा गुण है और अवश्य करिए। महीने की 5, 10, 18 तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। चोट चपेट के चक्कर में आ सकते हैं। पुराना कोई रोग फिर से उभरने के आसार दे रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपनी बातों का इजहार करने में देरी ना करें, नहीं तो निराश होना पड़ सकता है। प्रेम के मामले में लव लाइफ में आपको दूसरों की बातें सुनने की भी आदत डालनी होगी। प्रेमिका से दूरी बढ़ सकती है, चाहे झगड़े के चलते चाहे काम के चलते। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। 2019 साल जा रहा है, ध्यान रहे। किसी भी रिश्ते में सबसे अहम होता है विश्वास, और विश्वास ही आपके रिश्ते की सफलता की कुंजी भी है। अगर आप संयम और विश्वास से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप शायद सफल भी हो सकते हैं, अन्यथा इस साल आपका रिश्ता टूटने के गगार तक पहुंचने की आशंका है। सिंह राशि का प्रेम व्यवहार में ये अग्नि तत्व के हैं। इनकी गुण है स्थिरता, पुरुषत्व, सकारात्मकता। इनके स्वामी ग्रह हैं सूर्य। प्रेम के विषय में कुछ सबक देना चाहूँगी। स्वयं की शक्ति और प्यार पर विश्वास, अपने आप को प्यार करने की क्षमता, और जब प्रेम हो जाए तब भाव विभोर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है नम्रता और विनम्रता। प्यार में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। सिंह राशि के जातक राजसी, अभिमानी और स्वाभिमानी होते हैं। अपनी क्षमता और ज्ञान पर विश्वास होता है। साहसी, उदार, दयालु, युवा और जोश से भरपूर होते हैं। ये लौकिक कलाकार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह सूर्य इन्हें समाज में लोकप्रिय बनाता है। इनके लिए प्यार बड़ा रोमानी होता है, किसी रोमांटिक फिल्म की तरह या परी कथा की तरह। सिंह राशि के जातक को प्यार किए जाने का एहसास बहुत रोमांचित कर देता है और ये जिंदा दिली से भर जाते हैं। ये आत्ममुग्ध होते हैं, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं और ये बिना किसी बंदिश, बंधन और आशा के प्यार करना चाहते हैं, और बदले में इसी बात की आशा अपने साथी से भी रखते हैं। सिंह के जैसी शक्ति और राज करने की इच्छा इन्हें प्यार में भी होती है। समर्पण और सुरक्षा की भावना इन्हें अच्छी लगती है। ये जितनी उदारता दिखाते हैं बदले में उतनी ही अगले से कामना भी रखते हैं। आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी जीवन शैली में काफ़ी अनियमितता होगी। आपको कंधे की मांसपेशियों में दर्द, गर्दन में दर्द, बालों की समस्या, स्पॉन्डिलाइटिस और गले में खराबी की परेशानी हो सकती है। लापरवाही ना बरतें, योग करें, व्यायाम करें, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें
और अगर कोई परेशानी आती है तो डॉक्टर के पास जल्दी जाएं। तो आइए चलती हूँ, बताती हूँ कुछ उपाय। रविवार भगवान सूर्य का दिन माना जाता है, तो इस दिन लाल वस्तुओं का दान करें। सूर्य को रोजाना लोटे में जल लीजिए, उसमें लाल रोली डालिए, मीठा चीनी या शहद डालिए और सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ जल चढ़ाइए। ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। अगर आप ये मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो बोलिए ओम सूर्याय नमः या सूर्य देवता के बहुत सारे नामों का आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करिए।